शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ने का ऐलान किया है। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में उनकी किताब के विमोचन का आज कार्यक्रम हो रहा है। शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि मैं अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले रहा हूं। इस बीच शरद पवार की मान मनोबल की कोशिशें चल रही है। जयंत पाटिल ने रोते हुए पवार से फैसला वापस लेने की अपील की है। वहीं बता दें कि शरद पवार ने कांग्रेस छोड़कर 1999 में एनसीपी बनाई थी। शरद पवार ने इसके संकेत हाल में ही दिए थे जब उन्होंने कहा था कि अगर रोटी को समय पर नहीं पलटा जाए तो वो जल जाती है। शरद पवार ने मुंबई में अपनी पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में बड़ी घोषणा करते हुए सभी को एक बार फिर चौंका दिया है। बता दें कि शरद पवार ने कहा कि मुझे लंबे समय तक पार्टी के नेतृत्व का मौका मिला। मैंने अध्यक्ष पद की कई साल जिम्मेदारी निभाई है। मैं चाहता हूं कि कोई और इस जिम्मेदारी को संभाले। अब मैं अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले रहा हूं। शरद पवार ने जैसे ही एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा की, एनसीपी के तमाम बड़े नेता हाथ जोड़ने लगे। इस दौरान समर्थकों ने पवार के समर्थन में जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। हाल ही में एनसीपी यूथ विंग के एक कार्यक्रम में शरद पवार ने इशारा कर दिया था कि अब वह नेतृत्व परिवर्तन का सही वक्त है। मी त्याला कधी घेणार नाही आणि त्यामुळे तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष पदावर निवडणूक व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। ते जरी असेल तो शरद पवार जी ने जो आज उनके पद से उनके अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो किस कारणवश दिया है ये तो बताना मुश्किल है। जो मीडिया में अजीत दादा पवार के बारे में जो आता था या उनके परिवार में कुछ हो या उनकी तबीयत के बारे में हो, ये बात अभी बताने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो जो है उनसे ही अपने को जो जब उनसे मिलेंगे और ये सब बातों से पूछेंगे तब इस बारे में वक्तव्य करने का वक्तव्य करना अच्छी बात होगी। लेकिन एक शरद पवार जी हमें लगते थे कि आखिरी सांस तक वो सामाजिक और राजकीय जीवन में रहेंगे और हमेशा एक विचारधारा के साथ लड़ते रहेंगे, ऐसा ही हमें लगता था। लेकिन आज उन्हें किस वजह से इस्तीफा दिया ये बताना मुश्किल है, लेकिन इसमें एमवीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी राष्ट्रवादी के जो उनके पार्टी के अंतर्गत जो भी डिसाइड होगा उसके अंतर्गत जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो एमवीए के साथ रहेंगे, ये हमारी उम्मीद है। सिर्फ शरद पवार इज एन कॉम्पिटेंट लीडर ऑफ नॉट ओनली अ सिंगल पार्टी बट ऑल्सो ए नेशनल लीडर एंड आई थिंक दैट ड्यू टू द एज कंस्ट्रेंट आई थिंक and because of his health, that is my assumption that he has thought it prudent to relinquish the present job, and he has already selected his own successor, I think so, because a number of leaders are there in the NCP who are also eligible and competent to inherit the legacy of Sarath Pawarji, but he is still a leader of the nation. Bureau Report Team, Top Story News.